दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। देश में सबसे बड़ी घटना जो कि 14 फरवरी को आतंकवादी हमला था, जिसके चलते पूरे देश में शोक की लहर रही। इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए भारत ने, या यू कहे भारत सरकार ने, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी? यह सवाल इस हिंदुस्तान के हर उस एक जिम्मेदार नागरिक के जहन में है, जिसके चलते हर आम मतदाता यह जानना चाहता है कि क्या सरकार उसकी चुनी हुई सही मायने में सच है। यह सवाल उस हर नौजवान के दिल में है जो कि इस वक्त इस देश में नए लोकतंत्र को चुनने वाला है। जैसा कि लोकतंत्र की राजनीति इन शहीदों की शहादत पर की जा रही है, क्या हम सही मायने में इस लोकतंत्र के या इन शहीदों के शहादत के मायने को समझ पा रहे हैं? हर किसी ने व्यक्तिगत तौरों पर अपने टिप्पणियां फेसबुक, ट्विटर और विभिन्न इंटरनेट के माध्यमों पर दर्ज कराई है। लेकिन क्या हम देशभक्त हैं? क्या हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे, तब वे अपने भाषणों में आतंकवाद, नक्सलवाद पर बोलते थे। देश की सीमाओं पर नियंत्रण तभी भी सेना का ही था और अब भी सेना का है। लेकिन हाल जस का तस है। हमारे पूरे परिवार की ओर से शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।